अब ये बातें कोई बता नहीं पड़ती, जो आपको हम बता रहे, ये तो आपकी बात थी जिसको पहले ही बता गया, लेकिन सब रोगी, इसलिए ये तो कर्म जो किया तो कर लिया, वो तो आपको दंड मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ अगर कहीं आ गए तो क्षमा भी हो सकता है, जब आप प्रार्थना तो क्षमा भी कर सकता है, लेकिन माँ आप उस क्षमा करेंगे और कोई और को तो क्षमा करने काल रूप में केंद्र बनाता, शुभ और शुभ कर्म फलदाता, मैं काल रूप हूं और सबको शुभ और अशुभ कर्म का मैं सजा दू, मैं किसी के कर्म को माफ हूं, वह तो ये तो वो तो बड़ी ऐसी है अखंड, वो तो इधर उधर हो नहीं सकती, आप महात्माओं के पास जाओ उनके पास ये क्षमा, वो क्षमा नहीं कर रहे जितने विधान रहे, जो इसका इंसाफ करता वो क्षमा नहीं करता, उसके आने आने जाने वाले वो क्षमा, तो वहां आप पूछ नहीं पाओगे तो क्या क्षमा, ये सब चीजें आपकी जरूरत की थी उसको समझ लेना चाहिए, तो पहले आपने नहीं समझा और आप एक तो ये हो गया आपको तो। एक तो चीजों में फंसे तमाम चीजों में फंसे, या छोटे बड़े जाने सबको सब पसंद, और ये अमूलक चीज जो और जीवात्मा को कोई शिष्य बना नहीं सकता, ये उसका इसमें रूप है, तो अपने आप को शिष्य संबल, क्योंकि मालिक के रूप को मालिक की चेतनता को कोई मतलब शिष्य नहीं बना सकता, वो जो शिष्य बनने की बात है वो होगा, जब तक अपने वो बोध नहीं होता है, काम है क्रोध है लोभ है मोह है, इनको दूर करने के लिए तो आप शिष्य, लेकिन जब ये आत्मा जा गई तो नहीं गुरु और नहीं चेला, सब में बोले एक अकेला, वहां न गुरु है न चेला, ये विकार है, तभी तक अपने को समझते हो मैं शिष्य हूं और आप अपने को समझते हो गुरु, और विकार दूर हो गए वो तो समझते ही नहीं आपको, वो तो अपने आप को समझता है, तो मालिक के रूप को शिष्य होता है न गुरु बना सकता, वो तो मददगार है सेवा का, और वहां तक पहुंचा देगा तो खुद पूछेगा कि कौन लाया, तो वो खुद चिल्लाएगा कि बजारी उन गुरु की जो गोविंद जी होता, ये सब श्रेय और सब कुछ है ये उनका है जिन्होंने आपके पास, तो मैं तो मृतलोक में उनको सबसे बड़ा वो कहता, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो कहते हैं हम तो इस सेवक, तो मालिक के उस रूप को शिष्य नहीं बना सकता, ये बड़ा गहन विषय है, और अगर शिष्य बना लिया और गुरु बन गया उसी जगह को सराजा को अंधा गुरु और बैरा चेरा वो होल लेफ्ट में ठेरा ठेरा, तो आप ये विद्या आपको उस तरफ ध्यान रखें, आप इसको प्राप्त करो, जो सरलता से आसानी से मिले उसको ले दो, अरे घर में गंगा भाई आपके गांव के किनारे तो सबको उस ब्रह्म गंगा में अपनी आत्मा को अपना करना चाहिए, और नहीं करते हो तो फिर वो समय निकल जाएगा, वो तो मतलब है बहती हुई निकल गई और फिर सूख गई, तो आप क्या समझते, ये भागीरथी थे वही ब्रह्म गंगा जाए, ब्रह्म लोग से उसकी धारा आसमानी आवाज उन लोगों में बड़े बड़े दरिया रहते, कितने बड़े बड़े दरिया है जिनकी पैमाइश कोई नहीं कर सकता, और उन्हें निर्मल स्वच्छ बालू का मिट्टी का कोई नाम निशान है, और नीचे देखो तो कितने लाख नीचे दिखाई देता है उस पानी में, अब पानी कहे कि क्या तो मालिक की दुनिया, ऐसे ऐसे दरिया
जब ये रूहें जाती है जीवात्माएं वहां उसके किनारे को स्नान करती है, एक दो ही दो नहीं नदियों के किनारे स्नान करती है, मालूम होता है कि सारी आत्माएं तो यहीं आ रही होंगी। अब वो तो ऐसा वो तो अमृत है, ये पानी नहीं रही है, न यहां कोई मिट्टी, न ऐसी मिट्टी जहां वो बह रही, ऐसे ऐसे विशाल बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े मतलब नारे समुद्र बड़े बड़े, ये सारा विश्व है। वो मतलब ये है कि मालूम होता है कि कितना सा टुकड़ा, ऐसे ऐसे उन लोगों में जब वो सोते देखती हैं तो वहां का इतना लिया है तो यहां भी क्या कीमत है, ऐसे आपके लिए उसने आराम आनंद उन लोगों में रचना, ये सब मतलब ये है कर रखी है, सारा कुछ आपके लिए आप यहां गलीज में पड़े हुए हो। तो ये तुलसीदास जी ने जो लिखा है वहां त्रिवेणी में, यहां त्रिवेणी नहीं है तो त्रिवेणी की नदी बड़ी, ये त्रिवेणी वहां क्या है, ये तो बालू मिट्टी की त्रिवेणी है, वहां तो मिट्टी नाम है था वहां अपना प्रगट पार प्रभु बाकी ब्रह्म निर्य ब्रज अग्नाशी काम होकर कारण हो, कहते सबका सज्जन हाल तो पड़े लेकिन रास्ता है, नाम को आवाज को पकड़ो तो पकड़ के चल चलोगे, उसने पौड़ी बना रखी है सीढ़ी तो चल चलो सीढ़ी पर, महापुरुष धीरे से चला लेते अपने आप तो चल के जा ना पाओ। मुसलमान सिख ईसाई कोई भी विवाद सामाजिक हो या जातियों का हो या ना मोहब्बत प्यार से सब कुछ हल किया है, मोहब्बत प्यार में इतनी शक्ति और ताकत है कि किसी के भी दिल दिमाग को जीती है, मोहब्बत प्यार में मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ, हिंदू की लड़की मुसलमान और मां बाप समाज के लोग कुछ, मोहब्बत प्यार में मकान ले लो जमीन ले, मोहब्बत ही प्यार में सम्मान में ही लोग दान दे, ये सब है और मोहब्बत और प्यारी में लोग सब ध्यान दे घर बार छोड़ के, तो मोहब्बत और प्यार बहुत बड़ी चीज और वो हम सब लोगों में आप मंदिर ले जाओ घर ले जाओ ये ले जाओ और मोहब्बत प्यार नहीं है मान सम्मान नहीं तो मतलब यह है कि कोई चीज एक नहीं है तो वह झगड़ा हो जाएगा कर लेगा। तो अपने लोगों को इस धर्म निरपेक्ष और प्रजातंत्र में कतले आम से करता ये राजनेता अपने अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली की और प्रांतों की गद्दी के लिए हिंदू मुसलमानों का सबको ईसाइयों को कतले आम करता, जब देखेंगे तो एक दूसरे मुल्क को कतलेआम कर अपने लाभ के लिए करोड़ों मर जाए अभी बस कहेंगे कि हमको बड़ा अफसोस है, करोड़ों चले जा रहे एक ही झटके में कहेंगे हमको बड़ा अफसोस है, दो करोड़ मर जाए अपने स्वयं आप लोग इनसे बचो, घर में रोटी बनाते हो और रोटी को ना पलटी जाए उस गर्म तवे पर रोटी बना के डाल दिया जाए ना पलटा जाए तो क्या हो जाए, क्या हो जाए जो से बोलो, तो ये तो आप समझते हो कि जल जाएगी और कुत्ते को बुलाओ चुकाओ और रोटी डाल दो तो सूख करके चलो, लड़के को अगर दे दोगे तो ऐसा फिर जल्दी रहो रोटी किसके काम आई, रोटी भी गई लड़ी भी गई और मेहनत भी की, आपने सब बुला क्यों की विचार ही केवल इतना ही तो आपको करना था कि तवे में डाल के पलट तो आटा भी चला गया मेहनत भी चली गई और होगी किसी का काम नहीं तो फिर पलट दो और तुरंत फिर पलट और फिर पलट के उठा के चिमटे से जरा सा आंख गर्म उसकी गर्मी से
پک جائے گی اور اس میں مٹھاس آ جائے گی تو سب لوگ اس کو کھائیں گے موت نہ دارو اور شراب کا نفع ایسا نفع دیش میں ہے جتنی بھی چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائیاں یہ سب انسان کے نشے سے آئے اگر ایک نشے کا دیش میں تیار ہو تو 90% برائیوں کا نشہ چل جائے اور کر کے دیکھ لیجیے باقی جو 10% رہ جائے وہ تو اپنے دل سے ٹھیک کر لو تو ٹھیک ہو تو آپ جو کمزوری جائے کرتے ہوئے جہاز اس سے آمدنی ہوتی ہے اس برائی سے آمدنی کر کے اور پھر ان کی بڑائی کا سبب یہ تو جب آپ چوری اور ڈکیتی کا دن ان پر خرچ کرو گے تو ان کا بھی اصلی کرا جائے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے تو ایسا بس بولو جے گردے جے گردیو نام کس کا جے گردیو نام کس کا جے گردیو نام کس کا